11 बजे की बात है, मैं गभाना से लौट रहा था। दो दिन पहले एक घटना हो गई थी, तो घटना स्थल निरीक्षण करके मैं लौट रहा था, तो मैंने देखा नुमाइश ग्राउंड पे एक गाड़ी थी, महिंद्रा पिकअप, जो व्हाइट रिसेंटली व्हाइट पेंट उस पर हुआ था। तो मुझे थोड़ा संदिग्ध गाड़ी लगी, ऐसी ही गाड़ी एक खैर में पकड़ी गई थी एक महीने पहले के लिए। तो मैंने उसको रोकने के लिए कहा, तो उसने रोकी नहीं गाड़ी और तेज रफ्तार में यू टर्न लेके सारसौल की तरफ भागी। हमारी गाड़ी ने उसका पीछा किया, सारसौल से वो नादापुल की तरफ भागी। तो मैंने कंट्रोल को बता दिया, तो वहाँ चेकिंग होने लगी, तो वो नादापुल की तरफ ना जाके सीधे चले गए। वो आगे जाके गोंडा पुल के पास एक एसआर पेट्रोल पंप है, वहाँ पे गाड़ी अंदर गई, हमारी गाड़ी पीछा किया। आगे उन्होंने क्या किया है पेट्रोल पंप में, पहले वो खुला रास्ता था, सीधे जो हाईवे पर खुलता था, इन्होंने इस बार बैरियर लगा रखा है। बैरियर से गाड़ी आगे जा नहीं पाई पिकअप, तो पिकअप ने यू टर्न लिया, तेज रफ्तार में यू टर्न लिया। हमारी गाड़ी तब तक अंदर आ चुकी थी पेट्रोल पंप के, तो हेड ऑन टक्कर हुई, काफ़ी जबरदस्त टक्कर थी। हमारी गाड़ी भी स्पीड में थी, वो गाड़ी भी स्पीड में, दोनों गाड़ियां वहीं क्षतिग्रस्त हो गई। उसके बाद दो आदमी, गाड़ी में दो ही आदमी थे पिकअप के, दो आदमी निकले तेजी से और फायर करते हुए भागने लगे। हम लोगों ने पीछा किया उसका, हमारे साथ हमराह थे केवल और कोई पुलिस फोर्स थी नहीं। एक आदमी ने हाईवे क्रॉस कर लिया, दूसरा आदमी जंगल में नीचे घुस गया। हमने काफ़ी तलाश किया लेकिन फिर वो सही नहीं था, हमने फोर्स आने का इंतजार किया, हम वापस आए, वापस आके पिकअप की तलाशी ली। पिकअप में हमको कुछ कारतूस मिले थे और एक कट्टा मिला था, कंट्री मेड कट्टा, और उसके साथ एक मोबाइल फ़ोन मिला था। तो मुकदमा पंजीकृत कराया गया, वो लोधा और दहली गेट क्षेत्र की घटना है, बॉर्डर पड़ता है, लोधा थाना क्षेत्र में मुकदमा दर्ज कराया गया है। गाड़ी सीज की गई है, ट्रेन से गाड़ी थाने ले जाई गई है, और जो मोबाइल फ़ोन में नंबर्स हैं उनकी सीडीआर मंगवाई जा रही है, मुकदमा लिखा। ये कौन लोग हैं सर, क्योंकि 10 महीने में आपके ऊपर ये पांचवी बार हमला है? ये एक तरह से हमला नहीं है, ये मतलब मैं रात को निकल रहा हूँ तो मुझे कोई संदिग्ध गाड़ी लगी, तो वो अपना बचाव करते हैं, उस बचाव में थोड़ा मुठभेड़ टाइप की हो जाती है। तो ये कल गाड़ी पूरी खाली थी, गाड़ी के पीछे कुछ था नहीं उसमें, लेकिन वो नया पेंट हुआ था तो मुझे शक हुआ। ये कुछ भी हो सकते हैं, गोतस्कर हो सकते हैं, या फिर कोई चोरी का, या फिर इलीगल काम करने जा रहे हैं, कुछ भी हो सकते हैं लोग। लेकिन जो पूर्व में घटनाएं हुई हैं वो तो 100% गोतस्कर वाली घटना है, गोतस्कर या फिर भैंस चोर, दोनों चीज़ हो सकती हैं। गोतस्कर क्यों पीछे पड़े हैं आपके, क्या इलाके में गोतस्करी आपने रोक दी है जिसके चलते वो तिलमिलाएं हैं? जी हाँ, गोतस्करी पे तो बहुत अंकुश लगा, प्रभावी अंकुश लगा हमारे क्षेत्र में। गोकशी तो नहीं हो रही है अब, ये आवारा गाय बहुत घूमती हैं रोड पे, तो रात को वो निकलते हैं 2-3 बजे और गाय उठा लेते हैं और फिर निकल जाते हैं, बहुत कम समय लगता है। मैंने खुद जब पीछा किया तो कई बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने गाय मेरी गाड़ी के सामने फेंक दी है, तो हमें गाड़ी रोक के गाय हटानी पड़ती है, तो वो समय गेन कर लेते हैं, वो निकल जाते हैं। लेकिन हाँ, वो अंकुश तो काफ़ी लगा, इसलिए शायद वो ऐसी घटनाएँ कर रहे हैं। तो जो पिछली घटनाएं हुई हैं उससे कोई हमलावर कोई पकड़ में आए हैं? हाँ, चंडौस में हुई थी तो चंडौस में पकड़े गए थे, उसके बाद यहाँ पर भी पकड़े गए थे, बन्ना देवी में मुठभेड़ हुई थी, पुलिस मुठभेड़ उसमें भी पकड़े गए, कई लोग पकड़े जा रहे हैं। लेकिन ये एक कोई गैंग नहीं है, मल्टीपल गैंग हो सकते हैं।